आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांस फिल्टर। जैसे होम टैब इंसर्ट टैब है, इसी में एक डेटा टैब है। अब यहाँ पे देखिए, डेटा टैब में हमारा एक ऑप्शन आता है एडवांस फिल्टर। इसका क्या यूज़ है और हम ऑफिशियल इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से काम आता है, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। एडवांस फिल्टर का बेसिकली काम हमें तब आता है जब हमारे पास एक लिस्ट हो, बहुत सारी लिस्ट हो, जिसमें हज़ारों 2000 डिटेल है, और उसमें से हमें कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा गया। जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ तो मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल में मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग मेरे जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम सेलेक्ट करना है, और मुझे कंडीशन दी गई कि उन्हीं का सिर्फ नाम सेलेक्ट करो जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो हम एडवांस फिल्टर के मदद से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको करके बताती हूँ कि ये ऑप्शन कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले हमारी जो मेन टेबल है, इसमें से जो हेडर है, हेडर वाला कॉलम्स, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और एक रो छोड़ करके हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आप उस कॉलम में कंडीशन लगाइए जिसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे सैलरी के लिए मैंने अभी बताया था, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि ग्रेटर देन 25,000। वही फिल्टर हों जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। अब हम एडवांस फिल्टर का ऑप्शन ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए तीन ब्लॉक आ रहे हैं। पहला लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज में हम हमारी नॉर्मल टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आया क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में हम अपना जिसमें कंडीशन लगाया है वो दोनों रो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, अगर इस पर नहीं क्लिक करेंगे तो यही टेबल चेंज हो जाएगी, बट मैं चाहती हूँ दूसरी लोकेशन पे आए, तो यहाँ पे आए और जो ऑलरेडी था उसको रिमूव किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि मेरी टेबल यहाँ पे आए। ओके, आप देखिए मेरी टेबल सेलेक्ट हो गई और इसमें जिनका डेटा 25,000 से ज़्यादा है सिर्फ वही डेटा आया। ये था एडवांस फिल्टर।